शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग। नैब ने मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज और अजीज अब्बास शरीफ को तलब कर लिया। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों और भतीजों को 31 जुलाई को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक नैब को शरीफ खानदान की जानिब से बैरून ममालिक मुश्तबा ट्रांजेक्शन के शवाहिद मिले। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का ओहदा बचाने के लिए हुकूमत मुतहरिक। दिल बड़ा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांग ली। हुकूमती वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंच गया। हुकूमती अरकान और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात शुरू। हुकूमती अरकान बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। Is number one, the relationship has to be based on mutual trust. Pakistan is now trying its best to get the Taliban on the table to start this dialogue, and so far we have done pretty well, but it's not going to be easy. We will be trying our best. The whole country standing behind me, the Pakistani army, the security forces, all are behind me. We all have one object, and it's exactly the same objective as the US. हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। ताल्लुकात सच्चाई और भरोसे पर मबनी होंगी। इमरान खान का कैपिटल हिल में खिताब। मजीद बोले कि सदर ट्रंप और माइक पोम्पियो पर वाजे कर दिया, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अमरीकी अराकीन ने कांग्रेस का इमरान खान को भरपूर अंदाज में खुशामदीद। स्पीकर एवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी की अम के लिए इमरान खान की कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। अमरीकी सदर बिला वजह बात नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर का कश्मीर पर मोदी की दरख्वास्त से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेडी कुडलो ने मजीद कहा कि बात खुद से घड़ने का इल्जाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। इसका मजीद जवाब माइक पोम्पियो या जॉन बोल्टन देंगे। अमरीकी सिविल और अस्करी की आदत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों के मौतरब। आर्मी चीफ का पेंटागन और महकमा खारजा का दौरा। तारीखी और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। फौजी अफसरान माइक पोम्पियो, सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकातें। अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा अमरीका से बाहमी इज्जत, एतमाद और मुश्तरक इकदार की बुनियाद पर ताल्लुक चाहते हैं। इमरान साहब, कुदरत ने आपसे हर वो बात कहलवाई जिस पे आपने नवाज शरीफ को गद्दार कहा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजीर आजम के अमरीकी थिंक टैंक से खिताब पर तनकीद। बोली माफिया वो होता है जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करता है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर इल्जाम लगाता है। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की कामयाबियों से हाउस ऑफ शरीफ के अरबानों पर औस पड़ गई। मावन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। लिखा इमरान खान कश्मीरियों के वकील बनकर उभरे। शहबाज शरीफ कश्मीर पर सियासत करने से पहले सैयद अली गिलानी का बयान पढ़ लेते। लाहौर एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ पेश। अदालत ने 7 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। मीडिया गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर बोले केस में जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है वो सब बेकसूर हैं। जेल में कैद नवाज शरीफ का परहेजी खाना बंद करना अफसोसनाक है। उधर असासा जात केस में हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी गई।
राणा सना के गिर्द घेरा मजीद तंग। फैसलाबाद पुलिस ने लीगी रहनुमा के साथियों का मुजरिमाना रिकॉर्ड एएनएफ को भिजवा दिया। राणा अजहर, शेख इमरान, शम्मू उर्फ साबी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुनशियात फरोशी और बिजली चोरी के मुकदमात हैं। राणा सना के मुलजिमान से ताल्लुक के तफसीलात भी शामिल। लाहौर की जिला कचहरी में फिर खुलेआम गोलियां चल गईं। मोटरसाइकिल सवार अपराध की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम जां बहक। मुलजिम ने फायरिंग करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब का वाकये का नोटिस। सीसीपीओ लाहौर से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय फोर्सेस के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमानी दफ्तर खारजा का कहना है एलओसी पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया गया। 22 जुलाई को भारतीय इश्तियाल अंगेजी से एक शहरी शहीद और दूसरा जख्मी हुआ था। बलोचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। हना उड़क, योग, शिरारी, मूसाखेल, कला अब्दुल्ला और दुक्की में नदी नालों में तुगयानी। मुख्तलिफ अजाबे बारिशों के बाद 4 अफराद चाबहक और मुतअद्दी जख्मी हुए। पीडीएम में बाली बहरान का शिकार मुताजरा अजला बेताहाल। इमदादी सरगर्मियां शुरू ना हो सकें। बिजली बिलों का तनाजा, सुप्रीम कोर्ट कराची डिस्ट्रिक्ट के इलेक्ट्रिक पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक कोई फलाही इदारा नहीं, पैसा कमाने आए हैं, ये अब पूरे कराची वालों के खाल तक उतार कर ले जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर भी फट पड़े, बोले जब इख्तियारात ही नहीं देते थे तो मेयर बनाने का क्या फायदा। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को कल इजलास बुलाने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और अजीजाबाद के इलाकों में बिजली गायब। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासिमाबाद, लियाकताबाद और नाजिमाबाद के वकीम भी लोड शेडिंग से परेशान। रात भर भी बिजली की तवील बंदिश रही। जाली अकाउंट केस में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार 3 मुलजिमान से लूटी गई रकम वापस लेने की राह हमवार होने लगी। नए प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को बताया कि 2 मुलजिमान की प्ली बार्गेन की दरखास्त चेयरमैन नैब को भिजवा दी गई है। चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद रकम वापस ली जाएगी। एफबीआर का बड़ा इकदाम। 20 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमतें 20 से 30% बढ़ा दी। कराची सर फहरिस्त, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद और गवादर भी शामिल। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख पर कैपिटल गेन टैक्स में भी 40 से 45% इजाफा। नॉन फाइलर के लिए 50 लाख रुपए से जायद मालियत की जायदाद खरीदने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद में थाना गोलड़ा पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों मालियत की मुनशियात सऊदी अरब स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। 4 मुलजिम गिरफ्तार। एसपी सदर के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक खोशाब, मर्दान, मियांवाली और हाफिजाबाद से है। गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारी का कच्चे पर उतरने का वाकया। गिलगित एयरपोर्ट का रनवे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। पीआईए के इंजीनियर्स ने तैयारी को कच्चे से हटा दिया। तैयारी को मरम्मत के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। आरिफ वाला के मकामी गांव में शादी वाले घर में सफे मातम बिछ गए। गैर मियारी मशरूब पीने से 3 बच्चियां जाबहक, एक की हालत गैर। तश्वीशनाक हालत में अस्पताल में जेरे इलाज। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मशरूब वाली 2 दुकानें सील कर दी। Therefore, I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बरतानिया के नामजद वजीर आजम बोरिस जॉनसन आज हल्फ उठाएंगे। 92,153 पार्टी अरकान ने बोरिस के हक में राय दी। 46,656 अरकान ने जर्मी हंट को वोट दिए।
बोरिस जॉनसन, बरतानिया के वजीर खारजा और लंदन के मेयर भी रह चुके हैं।